जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं विजय पार्क निचलोर में और हमारे दोस्त क्यामुद्दीन अंसारी हमारे गांव के ही दोस्त हैं। तो हम लोग घूमने आ गए हैं आज विजय पार्क निचलोर में। और आप तो देखिए दोस्तों, ये सब बंदर हैं सब, और चूँकि जंगल है, विजय पार्क के बगल में ही जंगल है, तो जंगल से बंदर सब आते हैं और पार्क में भी मतलब घूमते हैं सब, टहलते हैं सब। और इधर देखिए पार्क के बाउंड्री वाल पर भी कुछ बंदर बैठे हैं और कुछ नीचे हैं सब। और तो देखिए दोस्तों, यह विजय पार्क निचलौल, विजय पार्क टिकलोहिया टोंगरी निचलौल महाराजगंज का यह स्वाभिमान राष्ट्रीय चेतना एवं सामाजिक सौहार्द का प्रतीक विजय पार्क निचलौल। और विजय पार्क का यह गेट है और गेट के अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि अंदर से पार्क दिखने में कैसा लगता है। तो दोस्तों जब आप पार्क के अंदर आएंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक टेबल रखा गया है, तो 10 रुपया इसका टिकट है। दोस्तों यहाँ पर जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर जो एक हाथी है और हाथी के सूंड से इधर पानी निकल रहा है, तो अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। और चूंकि दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और इधर मोटर के माध्यम से पानी सूंड के रास्ते अंदर से यह सेटिंग हुआ है और बहुत ही बेहतर लग रहा है यहाँ पर देखने के बाद। तो कहीं ना कहीं जब आप इस पार्क में आएंगे तो आपको कुछ बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक छोटा सा पार्क है लेकिन पार्क की जो खूबसूरती होती है, पार्क की जो खासियत होती है, उन सभी चीज़ों को इसमें समेटने का प्रयास किया गया है। आइए आपको अंदर भी दिखाते हैं। देखिए बच्चों के लिए इधर आराम करने के लिए मतलब बनाया गया है और यहाँ पर मतलब जो कुर्सी लगा है वो झूला वाला कुर्सी है, यहाँ पर बैठने के बाद आप आराम कर सकते हैं। और बच्चों के लिए देखिए इधर सरकने वाला चैनल को आप लोग लाइक। तो दोस्तों अभी हमारे साथी लोग हैं और नौजवान साथी लोग हैं इस पार्क में, मतलब ये भी लोग आए हैं पार्क को देखने घूमने के लिए। तो आप लोग से हम जानना चाहते हैं, मतलब आप लोग पार्क में आए तो पार्क को देखने के बाद आप लोग के अंदर क्या फीलिंग हुआ है, मतलब पार्क अच्छा लगा है कि क्या लगा, मतलब क्या चीज़ें हैं जो बताइए। पूरा फुल इंजॉय किए अपने दोस्त के साथ आए, हम लोग पूरा फुल इंजॉय करने आते हैं पार्क में। चलिए तो इसके पहले भी आप लोग पार्क में मतलब आते जाते रहते हैं हम लोग? ठीक है। तो आने के बाद पूरा अच्छा फील होता है हम लोगों को। तो दोस्तों बढ़िया पार्क है, इनका कहना है कि मतलब यहाँ आने के बाद मतलब जो पार्क की वो चीज़ें, जो सारी मतलब बड़े बड़े पार्कों में जो चीज़ें दिखने को मिलती है वो सब दिखने को, वह कहीं ना कहीं इस छोटे से पार्क में उसे सम्मिलित कर लिया गया है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो दोस्तों एक तरह से सराहनीय मतलब एक कदम है जो हमारे विजय डॉक्टर जी हैं, उन्हीं के प्रयासों से यह पार्क का निर्माण किया गया है। यह प्राइवेट पार्क है लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि हमारे इस मतलब निचलौल एरिए में कोई सरकारी पार्क नहीं है जिसमें हमारे मतलब एरिए के लोग जाकर घूम सकें। तो उसके अपेक्षा कहीं ना कहीं जो हमारा अपना मतलब निजी पार्क है वह कहीं ना कहीं लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत ही बेहतर साबित होता है और एक सराहनीय मतलब कदम है डॉक्टर जी का। तो इसके लिए हम डॉक्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कहीं ना कहीं लोग हमारे इस एरिए के लोग इस पार्क के नाम से हमारे विजय डॉक्टर जी को जानते हैं और बहुत ही फेमस पार्क है हमारा विजय पार्क निचलौल का। और पूरे इधर महाराजगंज जिले, कुशीनगर जिले और साथ ही साथ नेपाल बॉर्डर के लोग भी इस विजय पार्क में घूमने के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती ही यहाँ पर लोगों को मतलब लाने, मतलब यहाँ पर लोग आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आइए कुछ आपको अंदर बीच चलकर चीज़ें दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गांधी जी के तीन बंदरों को भी बनाया गया है। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इस बंदरों का एक प्रतीक है, इनका कहना है, देखिए इधर एक बंदर है जो अपना आँख मुदा हुआ, मतलब बुरा मत देखो और इधर बुरा मत बोलो और इधर बुरा मत सुनो। तो गांधी जी का जो संदेश है वह कहीं ना कहीं इस पार्क में सम्मिलित मतलब करने का प्रयास किया गया है और वास्तव में सराहनीय मतलब चीज़ें हैं। और भी चीज़ें देखिए इधर आपको दिखा रहे हैं, जो अभी मतलब हाथी के सूंड से आपको पानी गिरता हुआ दिखाए हैं, उधर देखिए एक देवी जी का मतलब यहाँ पर बना हुआ है और इधर देखिए पानी इनके मतलब जो हाथ में जो गागर है उस गागर से पानी इधर गिर रहा है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अपने घर में अंधेरा है, बाहर जाकर मत इठलाओ, सभी वस्तुएं बिखर गई हैं, पहले घर में दीप जलाओ। तो दोस्तों यह डॉक्टर विजय प्रताप विश्वकर्मा जी का मतलब कहना है और उन्हीं के प्रयासों से यह पार्क का निर्माण किया गया है। मुस्तैदी से काम करो, तेरा कर्म ही तेरा मुकद्दर है, नदियों से मांग रहे हो जल, सागर तो तेरे अंदर है। डॉक्टर विजय प्रताप विश्वकर्मा, विजय होमियो सेवा श्रम निचलौल महाराजगंज। दोस्तों इन्हीं के प्रयासों से यह पार्क बना है और पार्क में अब बहुत ही अच्छा पार्क है। और आप लोग कभी कभी समय मिले तो विजय पार्क निचलौल में घूमने जरूर आइएगा, बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा। चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों हमारे भाई का कहना है कि अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को मतलब
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए अभी पार्क में हमारे भाई साहब हैं, और जब आप अंदर आएंगे तो एंट्री यही कराते हैं, और अभी फिलहाल यही पर यही हैं, और इनसे भी हम कुछ बात करना चाहेंगे। तो मतलब आपको मतलब इस विजय पार्क में आप मतलब कब से रह रहे हैं, और आपको कैसा लग रहा है इस विजय पार्क में, मतलब जरा बताइए। हमारे विजय पार्क में हम लगभग 6 साल से रह रहे हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा एकदम सुकून मिलता है मन को। तो दोस्तों इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं पार्क में जब आप आएंगे तो आपको एक सुकून मिलेगा, बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा। और यह पिछले 6 सालों से इस पार्क में है, तो कहीं ना कहीं इस पार्क के बारे में हमसे बेहतर इनको मतलब जानकारी होगा ही। और आप जब पार्क में आएंगे तो आपको आपका मतलब इनसे मुलाकात जरूर होगा, और यही आपका एंट्री कराएंगे, और उसके बाद आप पार्क में प्रवेश करेंगे। और देखिए तमाम साथी हमारे लोग भाई लोग इधर देखिए, ये लोग पार्क में घूमने आए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक ले आप सब जा लेते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।